ये ब्रीदेबल है, इसके ऊपर पानी पड़ने के बाद अंदर पानी जल्दी जाता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कपल एडवेंचर्स विद प्रसाद एंड स्वाति। और आज हमने एक नया वीडियो लाया है आपके लिए, लेकिन होप आपने हमारा जो प्रीवियस वीडियो है जहाँ पे हम लोग सिंहगढ़ पे गए थे, सिंहगढ़ ट्रिप जो है हमारा फोर्थ ट्रिप, वो आपने देखा है। वो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आया था उस ट्रिप पे। हमने सिंहगढ़ पे वहाँ का जो स्पेशल है पिठला भाकरी और कांदा भजी और कर्ड, ये सब खाया पूरी बारिश में, पूरी ठंड में। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। और एक स्पेशल चीज़, हमने उस वीडियो में हम लोग जब गए थे सिंहगढ़ तो कुछ नहीं लिया था साथ में, ना जैकेट ना स्वेटर। और वहाँ पे पहुँच के ठंड से और बारिश से हालत ख़राब हो गई हमारी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी, लेकिन बहुत एंजॉय किया हमने। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसकी लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी। और दूसरी बात कि हम लोग जब गए थे वहाँ पे तो ठंड तो बहुत लगी, चटनी बहुत मस्त खाई हम लोगों ने बहुत सारी, लेकिन घर आने के बाद दूसरे दिन बहुत तकलीफ हो गई। ओके, तो वो एक दूसरा पार्ट है। तो अभी थोड़ा सा ये जो वीडियो है हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक और एक नया शॉपिंग लिस्ट से एक टिक मार्क हो चुका है, और वो था ट्रैक पैंट लेना। ओके, ट्रैक पैंट मुझे चाहिए था दोनों के लिए। और ट्रैक पैंट कौन सा ले, विच इज़ द गुड ट्रैक पैंट, इसके ऊपर समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बीच में मैंने एक वीडियो हम लोग ने डाला था जब हम लोग गए थे दिंडी, मतलब हम लोग यहाँ पे गए थे अळंदी गए थे, और अळंदी से लेके पुणे तक मैंने वॉक किया था। तो मैंने यही ट्रैक पहना था जो मैंने अभी पहना है, ये है नाइकी का ट्रैक पैंट, और ये जिम का है। तो ये बहुत लाइट वेट है, इसको लेके तकरीबन मुझे एक साल के ऊपर हो चुका है, और ये ऑसम क्वालिटी है, बेहतरीन क्वालिटी की है ट्रैक पैंट है ये। लेकिन जब मुझे समझ में आया और मैं जब मैं चला चलने के टाइम, तो मैं जब आ रहा था तो तकरीबन 5 किलोमीटर के बाद मुझे रियलाइज हो गया कि हर चीज के लिए एक स्पेशल चीज बनती है। और मेरे दिमाग में यह था कि यार ट्रैक पैंट क्या लेने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है अपने को। तो मैं जब 5 किलोमीटर आया चलते चलते चलते, तो मुझे रियलाइज हो गया कि ये जो ट्रैक पैंट का जो यहाँ का स्टिचिंग है, वो स्टिचिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है, मेरे जो पैर है वो एक दूसरे को स्क्रैच कर रहे हैं। और फिर क्योंकि काफ़ी धूप भी थी, काफ़ी धूप इन द सेंस कि 5 किलोमीटर चलने के बाद आपको पसीना आने लगता है, तो वहाँ पे स्क्रैच होने के कारण वहाँ पे थोड़ी सी जख्म हो गई, और 5-6 किलोमीटर के बाद मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा। और जब मैं चल रहा था तो मैं बार बार ट्रैक पैंट को ये ऐसे करो वैसे करो, इसको हिला उसको हिला, ऐसा मेरा सब चालू था कार्यक्रम। और बाद में मुझे रियलाइज हो गया कि जो बताते हैं एक्सपर्ट लोग उसको समझना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ओके, पैसे बचाने के चक्कर में मैंने सोचा था कि ट्रैक पैंट नहीं लेंगे हम लोग, जैकेट ले लिया उधर के लिए काफ़ी है तो ट्रैक पैंट नहीं लेंगे, लेकिन मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं बेटा, चलने के टाइम एक अलग ट्रैक पैंट लगती है, वॉकिंग के लिए अलग होती है, और स्क्रैच करने के बाद जख्म होने के बाद जो मेरी हालत हुई है वो मैं वीडियो में नहीं बताया उस टाइम, लेकिन मुझे वो समझ में आ रहा था कि मेरे को तकलीफ हो रही है। देन वी रियलाइज कि हमें लेना चाहिए। फिर हम लोग सिंहगढ़ गए, सिंहगढ़ जाने के बाद भी हमें रियलाइज हो गया कि एक हल्की फुल्की ट्रैक पैंट चाहिए, और ज़्यादा खर्चा नहीं करना है अपने को, तो ऐसी ट्रैक पैंट हो जहाँ पे यहाँ पे लूज हो, काफ़ी सारे पॉकेट्स हो। ओके, मेरा मोबाइल अंदर रहे, मेरे कुछ चॉकलेट्स या ड्राई फ्रूट जो भी हम लोग लेके जाते हैं चलने के टाइम, वो हमेशा अंदर रहे। स्ट्रेचेबल हो, ब्रीदेबल हो, क्योंकि आप रेनकोट वाली ट्रैक पैंट नहीं पहन सकते, रेनकोट वाली ट्रैक पैंट अगर आप पहनोगे तो थोड़ी देर के बाद आपको और तकलीफ होगी, तो ब्रीदेबल हो, और अगर भीग भी जाए तो थोड़ा वाटर रेजिस्ट करे उसको, मतलब पानी पड़ने के बाद वो पानी को थोड़ा रेजिस्ट करे, लेकिन वाटर प्रूफ 100% नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बाद में समझ में आया कि वाटर प्रूफ 100% नहीं होनी चाहिए, उसके लिए अलग से ट्रैक पैंट होती है जो हम लोग रेनकोट पहनते हैं। तो ये सब जानकारी लेने के बाद मैंने सोचा यार करते हैं, तो मैंने और स्वाति ने हम दोनों के लिए एक मस्त ट्रैक पैंट ली है। ओके, ये है वो ट्रैक पैंट, एंड दैट इज दी कैथलॉन से हम लोगों ने लाया है MT500। ओके, ये देख लो, मेरा कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्वाति को उसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों हमेशा ऐसा होता है, उल्टा होता है, उल्टा है एक्चुअली, बिकॉज डिकैथलॉन में कैसे है ना, ये जेंट्स में अभी इसमें और दो कलर है जो बहुत अच्छे है, वन इज ग्रीन एंड वन इज ग्रे, और ये ऑरेंज रस्ट कलर, और लेडीज में सिर्फ ये एक बोरिंग सा कलर है विच इज अगेन ग्रे एंड ब्लैक। तो कलर्स में बिल्कुल चॉइस नहीं है लेडीज में डिकैथलॉन में,
तो बट क्या करे, अभी लेना तो है, तो अल्टीमेटली आई टुक दिस वन ओनली, चॉइस था नहीं कुछ, बट अगेन दिस इज वेरी यूजफुल, तो मैंने ले लिया। बिल्कुल, और आप देख रहे हो कि ये ट्रैक पैंट है, ओके, और ये ब्रीदेबल है, इसके ऊपर पानी पड़ने के बाद अंदर पानी जल्दी जाता नहीं है, लेकिन तकरीबन एक डेढ़ घंटे के बाद अगर पानी इसके ऊपर पड़ता रहे तो पानी अंदर जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे इसकी, इस पैंट की बहुत अच्छी ये लगी कि अगर भीग भी जाए ना तो तकरीबन एक सवा घंटे के अंदर, तकरीबन आधा से लेके 45 मिनट्स के अंदर ये पूरी ट्रैक पैंट सूख जाएगी। मुझे कहा यार ये सही है, क्योंकि आप वाटर प्रूफ पैंट पहन के चलोगे तो बहुत पसीना आएगा, ओके ना। आप गाड़ी पे जा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन आप ट्रैक के लिए जा रहे हो और वाटर प्रूफ पहन के जा रहे हो रेनकोट टाइप्स, तो फिर अंदर पसीना आएगा और वाट लग जाए आप लोग आपकी, उसके लिए अलग से फिर ऊपर से पहनना पड़ता है, तो वो बात अलग है। तो मेरे को ऐसा कुछ करना नहीं था, क्योंकि मेरा जैकेट तकरीबन मेरे यहाँ कमर तक, दो यू नो यहाँ तक आ रहा है हमारा, नीचे तक, स्वाति का भी वहाँ तक आएगा। तो ऐसी ट्रैक पैंट जो ब्रीदेबल है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे ना बेल्ट है, तो बेल्ट काफ़ी अच्छा है, इसको अगर आप मतलब पहनने के बाद है ना, ये आप जितना हो सके इसको आप यू नो ये करोगे, अगर दिख रहा है कि नहीं, ओके, तो आप अपने आप को जैसे चाहिए वैसे आप टाइट लूज कर सकते, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, ये यहाँ नीज की यहाँ पे, नी की यहाँ पे ये स्ट्रेचेबल है, ओके, ये स्ट्रेच होता है मटेरियल जो है ना, ये स्ट्रेच कर रहा है, देख रहे हो स्ट्रेच कर रहा है ये, ओके। यहाँ पे जो चेन है, ये मैंने देखी कि चेन जो है, आप देखो यहाँ पे एक थ्रेड सा लगा हुआ है, एक थ्रेड है जो थ्रेड यू नो ऊपर से लेके नीचे तक वो उस चेन के उस बटन को है, तो इसलिए है, मुझे पहले समझ में आ रहा था ये यहाँ पे ऐसा क्यों लगा है, वो इसलिए है क्योंकि जब आप स्नो में होते हो, ओके, हम लोग तो ज़्यादा स्नो में नहीं जाने वाले हैं, लेह लद्दाख तक जाएंगे, स्पीति वैली जाएंगे, अगर होगा तो बहुत अच्छा है, फिर केदारनाथ है तो केदारनाथ पे भी इतना बर्फ, ठंड बहुत होगी, लेकिन जब आप एक्सट्रीम स्नो में जाते हो तो होता क्या है, आपके ग्लव्स, आपके हाथों में ग्लव्स होता है, तो आपको ये जो चेन का बटन है ना, ये पकड़ में नहीं आ सकता आपके, ओके, आप पकड़ नहीं सकते हो क्योंकि हाथ आपके फ्रीज रहते हैं, बहुत मूवमेंट स्लो हो जाता है। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया है, कंपनी ने उसको एक छोटा सा थ्रेड दिया है, ठीक है ना, तो उसकी हेल्प की वजह से, इस थ्रेड की हेल्प की वजह से आप आराम से ग्रैब कर सकते हो उसको और चेन को ऊपर खींच सकते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ओके, क्योंकि टाइम आने के टाइम मतलब ना उस जब जब सच में ज़रूरत होती है तब चेन बंद करना भी इम्पॉर्टेंट है। सेम चीज़ पीछे है, ओके, यहाँ पे एक पॉकेट दिया गया है, नीचे एक बड़ा सा पॉकेट है, ओके, इसके अंदर एक और एक है, इसके अंदर, ओके, इस पॉकेट के अंदर, जिसके अंदर आप मोबाइल भी रख सकते हो, ओके, सो ये सारी चीज़ें मुझे इस ट्रैक पैंट में बहुत अच्छे से यू नो मुझे बहुत अच्छी लगी, और अभी तक तो मैंने पहना नहीं है, इसके टैग्स वगैरह ऐसे ही है, ऑफकोर्स मैं दीकाथलम में था तो हम लोगों ने इसको ट्राई करके देखा, ओके, लेकिन अभी इसको बाहर अभी तक पहना नहीं है, ट्राई नहीं किया, तो नेक्स्ट जल्दी जो अपनी ट्रिप जो होने वाली है उसमें हम लोग इसको पहन के जाएंगे और फिर आपको फीडबैक देंगे कि कैसा। ये बहुत लाइट वेट है और नीचे वापस इसको टाइट करने के लिए भी एक बैंड दिया गया है कि आप अगर पहनने के बाद इसको टाइट करना है तो आपको यू कैन जस्ट टाइट दिस अप, इस नॉब, इस लॉक है, यहाँ पे एक लॉक दिया गया है, ओके, इस लॉक को आपको बंद करके आप टाइट लूज वगैरह कर सकते हो ताकि पानी अंदर वापस ना आ जाए, ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा। यू वांट टू शेयर समथिंग? हाँ, ये जो टाइट करने का, ये लेडीज में नहीं है, दिस इज लेडीज के लिए प्लेन ऐसा ही दिया है उन्होंने, यहाँ पे टाइट नहीं कर सकते, तो देर इज नो बैंड और देर इज नो स्ट्रिंग टू मेक इट टाइट, तो वो ऐसे ही लूज ही रहेगा, बट देन आई थिंक इट्स ओके, इतना पानी अंदर जा नहीं सकता है, इफ़ यू वोन इट प्रॉपरली, नीचे आपके शूज है अच्छे से तो ये नहीं जाएगा पानी, सो इट्स ओके, अगर स्ट्रिंग नहीं भी है तो इट्स ओके, करेक्ट, ओके, पण ते पाहिजे होतं खाली। लेकिन मुझे देखा तो मैं समझ में आया, जैकेट हो या ट्रैक पैंट्स हो, मेन के लिए ज्यादा चॉइस है, कलर चॉइस ज्यादा है मेन के लिए, ऐसा तो ये नहीं समझ रहे कि लेडीज ज्यादा ट्रैकिंग नहीं करती, अभी तो ऐसा है नहीं, अभी सारे लोग एक साथ मतलब एक समान जाते हैं और साथ में काफी सारे लोग होते हैं, तो लेडीज भी उतनी ही होती है जितने जेंट्स होते हैं, ओके, फीमेल मेल सेम इक्वल नंबर्स में होता है, सो दी के तुलना उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि यार ऐसा ना करे, घर आने के यहाँ झगड़ा हो जाता है कि तेरे को ज्यादा चॉइस है, मेरे को चॉइस ही नहीं, ओके, तब मैं क्या कर सकता हूँ, प्राइस सेम है, मॉडल नंबर सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक या दो ही कलर है और मेन के लिए 5-6 कलर अवेलेबल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा रस्टी कलर, ओके, तो ये मैंने लिया। तो
ये जरूरी था क्योंकि मुझे ट्रैक पैंट पहनने के बाद रियलाइज हो गया कि जब आप ज्यादा चलोगे 2-4 किलोमीटर इतना तो बात अलग है ओके, लेकिन अगर आप ज्यादा चलोगे और ऐसी अगर कहीं पे ट्रेडिंग वगैरह लगती है और आपको वहां पे जख्म होती है तो लॉन्ग रन में फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए ही ट्रैक पैंट जो होते हैं उसमें रनिंग के ट्रैक पैंट्स अलग होते हैं, वॉकिंग के अलग होते हैं, जिम्स के अलग अलग होते हैं, लेकिन ब्रांडेड ओके। और हम लोग जनरली जाके ट्रैक पैंट लेके आते हैं तो यस वो चलेंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं चलेंगे, लेकिन अगर ऐसा कभी हो गया आपको कि यहाँ जहाँ पे स्क्रैच हो रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका जो दिमाग है वो उस जख्म के ऊपर जाने लगता है ओके, ना कि आप नेचर की तरफ देखोगे तो वो फिर इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए भी थॉट कि इसको भी हम लोग लेंगे। तो ये था छोटा सा एक वीडियो, हमने सोचा कि और एक जो लिस्ट है उस लिस्ट में से अभी हम लोगों ने लिया है जैकेट ओके दोनों के लिए, उसके बाद हम लोगों ने शूज लिया है, उसके बाद हम लोगों ने ट्रैक पैंट ली है। अब ये तीन चीजें जरूरी है, इसको छोड़ के यस हम लोगों ने गोप्रो लिया था उसका एक वीडियो हम लोगों ने डाल दिया है, फिर गिम्बल लिया है, ये दोनों चीजें की जरूरत नहीं है। ये इसलिए हम लोगों ने लिए क्योंकि हम लोगों को वीडियोस बनाने हैं और थोड़ा कंफर्ट रहे और आवाज वगैरह अच्छी सी आ जाए, इसके लिए गोप्रो वगैरह बाहर के लिए लिया है। लेकिन तीन चीजें इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है लिस्ट के अंदर, जैकेट, शूज एंड ट्रैक पैंट, ये हो चुका है। बाकी सारी चीजें शायद हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि घर में कांटो भी मंटा जला, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, मंकी कैप ओके, तो मंकी कैप हमारे पास है तो वो कब यूज करेंगे, तो वी थॉट कि उसके लिए पैसा नहीं खर्चा करेंगे ओके। देन हैंड ग्लव्स, आई डोंट नो, चार धाम के लिए हैंड ग्लव्स की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आई डोंट नो, आप कमेंट करके बताओ कि क्या हमें लेके जाने चाहिए या नहीं लेके जाने चाहिए ओके, हैंड ग्लव्स। उसके बाद मैं डेफिनेटली सॉक्स अच्छे वाले लूंगा जो मुझे यहाँ तक सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा चलने के बाद मुझे मेरा जो काफ मसल है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो अराउंड 8-10 किलोमीटर्स के बाद वो हमेशा मुझे प्रॉब्लम देती है, पैर दुखने लगता है, तो मैं वो ज़रूर लूंगा जो मुझे काफ सपोर्टेड, उसका एक अलग सा नाम है, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है, तो काफ सपोर्टेड सॉक्स रहते हैं एंकल तक, तो वो मैं ज़रूर लूंगा, उसकी कीमत शायद 200-300 रुपये के आसपास ही। तो ये हमने ले लिया है, सो नाउ पहनने के बाद जब हम लोग जाएंगे तो उसका रिव्यू आपको एक्चुअली में करा के दिखाएंगे कि क्या कैसा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है या नाइकी की ट्रैक पैंट ही काफी है ओके। सो दैट इज इट फ्रॉम आवर साइड, और कुछ बताना है? और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड सी ऑल ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस आल्सो, एंड वी लव मेकिंग वीडियोस एंड वी होप यू लव वॉचिंग देम टू। करेक्ट, और फिर अभी जब हम जाएंगे तो पूरे एपिसोड्स देखना मत भूलना फ्रॉम डे वन, बहुत जल्दी अभी वो शुरू होने वाले एपिसोड्स, तो बीच बीच में यहाँ वहाँ हम लोग जाते रहते थे, उसके वीडियोस भी हम लोग डालेंगे। और मैं जब एनालिसिस करता हूँ वीडियो के, टेक्निकल एनालिसिस जब जाके देखता हूँ यूट्यूब में, तो मुझे पता चलता है लोग वीडियोस तो बहुत सारे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार ऐसा मत करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोस आने वाले हैं ये अभी छोटे मोटे चल रहे हैं, लेकिन बड़े वीडियोस फिर आप लोग मिस कर जाओगे, तो वी डोंट वांट दैट। आप भी यू नो जरूर देखना चाहोगे इन वीडियोस को, सो प्लीज सब्सक्राइब, हमारे लिए हेल्प होगा, आपको सिर्फ बटन दबाना है और कुछ नहीं करना है, लेकिन इट हेल्प्स आवर चैनल टू ग्रो ओके।